महोबा जिले में बुंदेली समाज द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से लिखकर जन्मदिन की शुभकामनाएं एक दिन पूर्व ही दी गई। बुंदेली समाज 4 वर्षों में लगातार खून से बधाई संदेश लिख रहा है। उनका कहना है कि मोदी जी ने बुंदेलखंड को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देंगे। मुख्यालय महोबा के आल्हा चौक पर आज बुंदेली समाज द्वारा अपने खून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन के एक दिन पूर्व शुभकामनाएं संदेश लिखे गए। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर कहते हैं कि हम लोग मोदी जी के जन्मदिन पर चौथी बार खून से बधाई संदेश लिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस के वे का तोहफा दिया और बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इसके अलावा मोदी जी ने कल पूना पर नेशनल पार्क, जो बुंदेलखंड की सरहद पर है, वहाँ पर 8 चीतों को पुनर्वास कराने आ रहे हैं। हमारे देश में 70 साल पहले चीते विलुप्त हो चुके थे, जिन्होंने पुनर्वास करा रहे हैं। हम लोग खून से इसलिए संदेश बधाई लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए 635 दिन अनशन किया लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए खून से बधाई संदेश लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा गया जन्मदिन के शुभकामनाएं, क्या आज मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है? क्योंकि ये 12वां सप्ताह है, इसलिए एक दिन पूर्व मोदी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। हमारे जो है बुंदेलखंड के संयोजक तारा पाटकर जी हैं, जो कई बार रक्त दे चुके हैं। आज पहली बार मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने भी रक्त देकर मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी हैं और ये मांग की है कि बुंदेलखंड को हमारे राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे यहाँ के डेवलपमेंट्स और अधिक हो सकें। वैसे तारा जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कॉरिडोर बन रहा है, बना है, हाईवे दिया गया है और पुनर्वास किया जा रहा है टाइगर्स का, ये बड़ी चीज़ें हैं। और जो SCO समिट चल रही है उसमें भी मोदी जी ने अपनी धाक जमाई है, तो आज वो अपने जन्मदिन पे कल वापस आ जाएंगे इंडिया। आज तो अभी वो विदेश में हैं और मीटिंग कर रहे हैं। मैं उनकी बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लंबी उम्र की कामना करता है बुंदेली समाज उनकी, और वो जुग जुग जिए, हम लोगों को बुंदेलखंड के लिए ज़रूर कुछ आशीर्वाद दें। तारा जी, आज आपके द्वारा खून से खत लिखा गया, किस संदर्भ में लिखा है, क्या रीज़न है? देखिए, मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। मोदी जी के जन्मदिन पर चौथी मरतबा हम लोग खून से संदेश लिख कर उनको भेज रहे हैं और बुंदेलखंड राज्य की बहाली की मांग कर रहे हैं। और ये वैसे हम लोग अब तक 28 बार उनसे खत प्रधानमंत्री जी को लिख चुके हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि मोदी जी कल पूना नेशनल पार्क, जो हमारे बुंदेलखंड की सरहद पर है, वहाँ पर 8 चीतों को पुनर्वास करवाने के लिए आ रहे हैं। और ये भी एक खुशी की बात है कि हमारे देश में 70 साल पहले चीते विलुप्त हो चुके थे और उनके पुनर्वास के लिए मोदी जी ने बुंदेलखंड की सरहद चुनी है। इसके अलावा हम मोदी जी को बधाई इस बात के लिए भी देना चाहते हैं इस मौके पर कि उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का तोहफा दिया, उन्होंने बुंदेलखंड में जो है डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, उसके लिए भी बधाइयाँ। इसके अलावा मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महोबा में 2 बार आए, उनका हम लोगों ने बहुत स्वागत किया, उसके लिए भी उनको बधाई। उन्होंने महोबा के पान को का मान बढ़ाया, देसावरी पान महोबा की शान, जो महोबा का पान बहुत दुर्दशा में चल रहा था उसको नई संजीवनी प्रदान की, इसके लिए भी उनको बधाई। तो हम मोदी जी के जन्मदिन पर खून से खत लिखकर उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, और वो हमारे नायक हैं, पूरे विश्व के नायक हैं। और उनके आखिरकार खून से ही क्यों बधाई दी जाती है आपके द्वारा? इसलिए दी जाती है कि हम उनसे एक मांग कर रहे हैं बुंदेलखंड राज्य की, और उसको जो है पूरा करवाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। हमने 635 दिन अनशन किया, हम नंगे पैर चल रहे हैं पिछले 7 वर्ष से, लेकिन मोदी जी अभी तक हमारी बात नहीं सुने हैं। तो हम उनको खुश करने के लिए, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए खून से खत लिखता है, वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं। शायद वो हमारी इस बात से, हमारे इस प्रयास से पसीज जाएं और बुंदेलखंड राज्य भेजें, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है सरकार प्रयास बहुत कर रही है,
लेकिन वो बुंदेलखंड के लिए ऊँट के मुंह में जीरा है। जब तक बुंदेलखंड राज्य बहाल नहीं होगा तब तक बुंदेलखंड का समुचित विकास संभव नहीं है। हाँ, ये हम लोग चौथी बार मोदी जी के जन्मदिन पर उनको उनसे खत लिख रहे हैं और उनसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे हमारा बुंदेलखंड रफ्तार की गति पकड़ सके। इसलिए हम बार बार उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे संदीप कुमार, अपडेट मीडिया, महोबा।